मैंने उसकी मदद भी की, तो ये गलती उसी की थी, ओवरटेक तो उसने किया था। वाह विधायक जी, एक तो आपकी गाड़ी से टक्कर हुई, ऊपर से सामने वाले की ही गलती निकाल रही हैं। ये है मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक रिंकी कोल, जिनकी गाड़ी से हुई एक बाइक की टक्कर, मगर विधायक जी ने उनका इलाज कराना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ, बस ये देखकर कि चोट हल्की है, वो घायलों को 1,000 रुपए पकड़ा कर चलती बनी। पीड़ित बाइक सवार अपनी माँ और बहन के साथ शहर आया था। लौटते समय यह हादसा विंध्याचल थाना क्षेत्र के अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे पर हुआ। पीड़ितों ने यहाँ स्थानीय स्तर पर अपना इलाज कराया, वहीं विधायक की बेरुखी पर उनका गुस्सा भी दिखा। हाँ, पैसा ऐसे पुआर के चल देनी हो ना, कहें कि हाँ कम से कम सुई से दवाई करा दे, हमें सब कोई उठाए तक ना है, हम लोग ऐसे लौटा थे, माई बिटिया चल दिए। क्या नाम था उनका? छानवे का विधायक रिंकी कोल थे। उनकी गाड़ी ने आपको टक्कर मारा? हाँ जी। तो क्या आपको कुछ दिए भी क्या? वो मेरे को जबरदस्ती 1,000 रुपया मेरे जेब में जबरदस्ती डाल के चले गए, और उतर के भी हाल खबर साहब भी नहीं लिए, कैसे लगा चोट, क्या हुआ, कैसे नहीं, ये सब भी कुछ भी नहीं बताएं, और ऐसे 1,000 रुपया थमा के चले गए। कहाँ की चोट लगा आपको? मम्मी को इधर लगा है, मेरे पेट में लगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक जी से जब एक्सीडेंट को लेकर सवाल किया गया तो वो बहुत सफाई से अपना पक्ष रख गई। ड्राइवर की लापरवाही नहीं, क्योंकि गलती उसकी थी, एक उसने हेलमेट नहीं लगाया था, 3 व्यक्तियों को बैठाया था, जबकि उसका लाइसेंस का पता नहीं है कि नहीं था, और बड़े एकदम रुकी से बात कर रहा था, अब वो ओवरटेक के चक्कर में। उनका आरोप ये है कि आप एक बार गाड़ी से उतर के देखी भी नहीं, उनका हाल चाल भी नहीं। हमने गाड़ी रोका, हमने अपने गनर को भेजा, और मैंने जो है अपने भाई को भेजा, मेरा ड्राइवर भी देखा उसने, तब आखिर मैंने देखा नहीं तो मैंने उनको कैसे दवा के पैसे दिए, ये बताइए। मैंने उसकी मदद भी की, तो ये गलती उसी की थी, ओवरटेक उसने किया था, लेकिन फिर भी हमें भाई मेरे मन में लगा कि भाई चोट लगी है तो उसके लिए हम जो कर सकते हैं हमने किया है। चलिए विधायक जी, मान लिया जाए कि गलती बाइक सवार की ही थी, वो बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग कर रहा था, मगर जनता का प्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है, और क्या आपने उसे पूरी तरह निभाया? NBT ऑनलाइन के लिए मिर्जापुर से मुकेश पांडे की रिपोर्ट।